और लफ्ज में दिल का दर्द समो दो, हुस्न गजल बन जाएगा। लफ्ज में दिल का दर्द समो दो, हुस्न गजल बन जाएगा। पत्थर को आंसू दे दो तो ताजमहल बन जाएगा। दोस्तों, पत्थरों को आंसू देने का शऊर और सलीका ताजमहल को बनाता है, लेकिन आज की सच्ची गजल है जो है वो दरअसल आंसुओं के जायके को महसूस करके शायरी में उसके उस जायके को ढाल देने के हुनर का नाम है ताहिर फराज। मैं जनाब ताहिर फराज से गुजारिश जनाब सदर, जहाँ भी तशरीफ रखते हैं वहीं से मुझे इजाज़त दे दें। राज साहब, आपके शहर में, आपके दियार में, आपकी मौजूदगी में आपकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है। एक बात ज़रूरी अर्ज करूँ कि पिछली बार भी यहाँ 3-4 साल पहले मैं हाजिर हुआ था इसी प्रांगण में, इसी आंगन में, तो ये मौसम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ज़्यादती हर चीज़ की ख़राब होती है। थोड़ा सा अगर हमारे सरों पे कुछ ढकने का इंतज़ाम हो जाता तो हाँ, लेकिन चलिए फ़िलहाल आपकी दुआओं का साया काफ़ी है इस मुशायरे के लिए। आप ताहिर भाई, सरों पर कुछ नहीं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। हाँ मामला यही है कि अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है, अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है, तुम्हारे दौर में जो जिंदगी गुजारी है। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है, तुम्हारे दौर में जो जिंदगी गुजारी है। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया, वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है, तुम्हारे दौर में जो जिंदगी गुजारी। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया, वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी है। नतमस्तक हर आदमी को होना पड़ता है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कोई कह नहीं। मैं एक नई अलामत शायद पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। मुट्ठी भर लोग होते हैं जो शर फैलाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद होती है जो संभालती है हालात को भी, सबको। मैं यही बात कहने की कोशिश करता हूँ एक नई अलामत के साथ। अब इससे बढ़ के सजा और क्या हमारी है, तुम्हारे दौर में जो जिंदगी गुजारी है। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब। क्या कहने, वाह वाह वाह। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब, बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब, बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है। देखिए, मेरा एक शेर है बहुत पहले के गज़ल में, कि वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस ये है उसने मेरी बात काट दी। बहुत अच्छे ताहिर भाई। अफसोस ये है उसने मेरी बात काट दी, हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। इसमें का आखिरी शेर और रह गया जो मैं सुना रहा था आप, आखिरी शेर सुनाऊंगा, उसके बाद फिर एक ताजा गजल है जो मैं सुनाने आया हूँ, वो सुना जरूर सुनाना चाहूंगा आपको। बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है,
नजर बचा के गुजरते हो, नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आई ना हूं मेरी अपनी जिम्मेदारी। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ताहिर भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, मैं आई ना हूं मेरी अपनी जिम्मेदारी। असल में यही बस बचा है हमारे पास, बाकी तो अल्लाह भला करे सियासत का कि हमें तकसीम कर दिया है खानों में, लेकिन इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह के जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, इसमें हम एक दूसरे के साथ बैठ के ज़रा देर को, एक शब को, एक शाम को, एक रात को ये भूल जाते हैं कि सुबह की जो खराबियां हैं, सुबह की जो फिक्रात हैं, वो उनसे ज़रा सी देर को हमें आज़ादी मिल जाती है। और यही वो महफिलें हैं जिसमें हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। मौत सच है ये बात अपनी जगह, मौत सच है ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। मौत सच है ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो, नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार कर। जो मकसद है, जो मैसेज है, वो मुशायरे का और कवि सम्मेलन का। मौत सच है ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो, नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का